बड़ी खबर आ रही है, सीधा भेट उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको अशोकनगर से बता देते हैं। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में करीब 18 यात्रियों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक जजपाल सिंह ने घायलों का हाल जाना। गुना से अशोकनगर ये बस जा रही थी। अशोकनगर के शाडोरा के पास मेनाई बरखेड़ा पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 18 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक जजपाल सिंह जज्जी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। बताया जा रहा है कि बस गुना से अशोकनगर जा रही थी और इस मौके पर तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। 18 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। विधायक भी पहुंचे हालचाल लोगों का जानने के लिए। अब बात भिंड की करते हैं, जहां जिले में शिक्षा व्यवस्था हाशिए पर है। दो दिनों में दो ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसने शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और एक स्कूल संचालक ने 5 लोगों के साथ मिलकर फिरौती के लिए 11 साल के मासूम की हत्या कर दी, तो वहीं शहर के निजी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक अवैध हथियारों की तस्करी मामले में गिरफ्तार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भिंड पुलिस ने निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक 2 देसी कट्टे और जिंदा कारतूसों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। भिंड जिले में गिरती शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में बढ़ते अपराध से अभिभावकों की भी टेंशन बढ़ गई है। जिले में 2 दिनों में ही ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। एक स्कूल संचालक ने 5 साथियों के साथ मिलकर फिरौती के लिए 11 साल के छात्र की हत्या कर दी। वहीं शहर के नामी स्कूल के संचालक राजेश शर्मा के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि शहर में 2 लोग अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से ग्राहक बनकर संपर्क किया और फिल्मी स्टाइल में एक आरोपी को धर दबोचा। हालांकि एक आरोपी भागने में सफल हो गया, जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा और जिसमें से थैले में से अपने को 2 पिस्टलें बरामद हुई और एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया, जिसके संबंध में भी विवेचना चल रही है। जिम्मेदारी तो बनती है स्कूल संचालकों की कि उनका पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए, उनको कि ये लोग पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ये उनकी संचालकों की जिम्मेदारी है। भिंड जिले में गिरते शिक्षा व्यवस्था और बढ़ते अपराध से पुलिस और प्रशासन के होश उड़े हैं। शहर के सभी स्कूलों का अब पुलिस वेरिफिकेशन समय समय पर होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर बल देना पड़ेगा, तभी स्कूलों को हर छोटी बड़ी अपराधों से मुक्त रखा जा सकता है। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वही मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर में आए दिन महिलाओं के साथ हैवानियत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बार मिनी मुंबई में मासूम से हैवानियत हुई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।